Hello students, how are you? Hope you all are fine in this pandemic. So I am here with you with the continue video of chapter number 3. And today we will learn the most important topic of this chapter, that is writing chemical formulae. कैसे chemical formulae हैं वो हम लिख सकते हैं, right? वो हम सीखेंगे, यही चैप्टर. Now why I am telling that this is important for you all? The reason is because this topic will be carried forward to class 10, class 11 and class 12. Because if you don't know this topic very well, then you will feel chemistry portion of the science very hard. That's why this portion is too much important. So please watch whole video very carefully and understand it very well. So let's begin the video. So the topic number in your textbook is 3.4 and the topic name is writing chemical formulae. So how, sometimes we wonder that how H2O, H2O mein H ke do hi atom kyu hai aur oxygen ke ek hi atom kyu hai. Okay students, H2CO3 iska naam hydrogen carbonate hai, wo hydrogen carbonate hi kyu hai, ya fir hydrogen ke paas do atom hi kyu hai और कार्बोनेट के पास एक एटम ही क्यों है, या फिर कार्बोनेट है क्या? सॉरी स्टूडेंट, हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म और व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजन सल्फेट. तो ये सब चीज का आंसर आपको ये वीडियो में मिलने वाला है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन टेबल 3.6 जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, जिसमें नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयन. ये टेबल है स्टूडेंट्स, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल लिख लीजिए. रूम में लगाना है तो इसका फोटो लेकर रूम में लगा दीजिए. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है. तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपको एक सीढ़ी चढ़ाता है टेंथ स्टैंडर्ड के लिए, चैप्टर नंबर 1 जो टेंथ स्टैंडर्ड में आएगा उसके लिए भी ये हेल्प करने वाला है और ये केमिस्ट्री को बहुत ईजी बना देगा ये टेबल. तो ये पूरा अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए. ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया है देखो स्टूडेंट, पहले ये टेबल को समझेंगे उसके बाद हम फॉर्मूला को बनाएंगे. ठीक है, तो देखिए नेम ऑफ आयन क्या है, सोडियम. ठीक है, उसका सिंबल आपको मालूम है Na है, पर उसके आप देख सकते हो स्टूडेंट कि Na प्लस दिया है. आप देख सकते हो Na प्लस, Na प्लस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, Na प्लस उसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है. अगर आपको ये नहीं मालूम है दे दिया है ले लिया है या फिर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एक प्लस है इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है. क्या है स्टूडेंट, इसकी वैलेंसी 1 है. सेम वे अगर आप सिल्वर का देखोगे सिंबल Ag होता है, उसके ऊपर भी प्लस है, इसका मतलब 1 है. और आप देखोगे स्टूडेंट मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg, उसके ऊपर 2 प्लस है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हुई 2. ठीक है स्टूडेंट, सेम वे इफ यू सी फॉर जिंक, तो जिंक की वैलेंसी है 2. क्यों, क्योंकि उसके ऊपर 2 प्लस. सेम वे आयन, सॉरी जिंक का सिंबल ZnC नहीं होता है, Zn होता है, और आयन का सिंबल होता है Fe, जिसके ऊपर 2 प्लस है, इसकी भी वैलेंसी 2 है. सेम वे स्टूडेंट्स, आयन की दो वैलेंसी होती है, कहीं कई जगह पे Fe 3 प्लस भी लिखा होता है, पर ये अभी आपके सिलेबल्स में नहीं है तो यू डोंट हैव टू वरी. सेम वे एल्यूमिनियम के लिए 3 वैलेंसी है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस, उसका मतलब उसकी आपको वैलेंसी 3 कंसिडर करनी है. तो ये तो हमने वैलेंसी डिस्कस की स्टूडेंट्स, किसकी, सभी एक एक एलिमेंट की वैलेंसी डिस्कस की. अभी हम थोड़े नॉन मेटालिक एलिमेंट, ये आयन्स डिस्कस किए स्टूडेंट्स, सॉरी, अभी हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है भाई, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में सिंबल है H प्लस, इसका मतलब इसमें वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी आपको 1 कंसिडर करनी है. हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड कब लिखोगे स्टूडेंट, जब H माइनस हो तब आपको हाइड्राइड लिखना है, तो वैलेंसी इसके भी आपको एक ही कंसीडर करनी है. ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर किसी में प्लस दिया है किसी में माइनस दिया है, तो स्टूडेंट्स इतना समझ लेना प्लस वाला माइनस के साथ मिल जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा. विच प्रॉपर्टी फॉलोज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो प्लस वाला आयन है, जो प्लस वाला आयन है कैटायन, वो हमेशा एनायन के साथ रहने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे एनायन है वो हमेशा, सॉरी यहाँ पे जो कैटायन है स्टूडेंट,
धातु हमेशा एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एनायन के साथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो बहुत इजी हो जाएगा, कैटायन है वो एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्राइड है उसमें एच माइनस, क्लोराइड है, सब कुछ स्टूडेंट्स में जब फॉर्मूला बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। क्लोराइड है Cl माइनस, वन माइनस है उसकी मतलब वैलेंसी वन। अगर आप ऑक्साइड देखोगे स्टूडेंट्स, ऑक्साइड है O2 माइनस, इसका मतलब इसकी वैलेंसी आपको कंसिडर करनी है टू। सेम वे अगर नाइट्राइड आप देखोगे, बीच में मैं कई सारे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सिमिलियर वैलेंसीज वाले हैं, आप देख सकते हो N2 माइनस, तो वैलेंसी होगी टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आई थिंक आप सबको क्लियर हो गए होंगे कैसे वैलेंसीज आपको लेनी है। अब हम स्टूडेंट पॉली एटॉमिक आयन, मतलब कि एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो यहाँ से ही डायरेक्टली अगर आप देख पाओ तो NH4 प्लस दिया है, उसका मतलब वैलेंसी में वन लूँगा। वैलेंसी क्या लूँगा स्टूडेंट? एमोनिया की, एमोनियम की वन। एमोनिया का NH3 होता है स्टूडेंट, याद रखना। हाइड्रोक्साइड OH माइनस की वैलेंसी वन। सेम वे स्टूडेंट नाइट्रेट है वो NO3 माइनस होता है, उसका मतलब वैलेंसी वन। ठीक है, एक प्लस हो या एक माइनस हो तो वैलेंसी आपको वन कंसीडर करनी है। तो आगे जाते हैं, कार्बोनेट आप देख सकते हो, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है CO3 टू माइनस, इसका मतलब वैलेंसी आपको टू लेनी है। सेम वे सल्फाइट SO3 टू माइनस, वैलेंसी इज टू। सेम वे सल्फेट SO4 टू माइनस, वैलेंसी इज टू अगेन। ठीक है, और एक बाकी रह गया है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो थ्री वैलेंसी वाला है फोस्फेट, पी ओ फोर थ्री माइनस, इसका मतलब वैलेंसी होगी इसकी थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया होगा सबको, ऐसे ये टेबल पूरा बना है। अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो हम नेक्स्ट वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर से यही टेबल हम सामने रखते हैं, तो क्या है हमें ईजी रहे। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि राइट केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो स्टूडेंट इसमें हम क्रिस क्रॉस मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो आप मैथ्स में यूज़ करते हो, सेम मेथड यहाँ पे हम सेम टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल है? एच। हमें मालूम है हाइड्रोजन की वैलेंसी वन है, ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। क्लोराइड, तो क्लोराइड ढूंढिए, क्लोराइड कहाँ पे है? यहाँ पे है क्लोराइड, यहाँ पे था हाइड्रोजन, तो क्लोराइड मैं यहाँ पे लिखूंगा Cl, इसका भी वैलेंसी वन है क्योंकि उसके ऊपर एक ही प्लस है। तो इसकी जो वैलेंसी है स्टूडेंट, इसकी क्लोराइड की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन को मिलेगी स्टूडेंट, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो क्लोराइड को मिलेगी। तो इससे हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का वो बन जाएगा एच सी एल। ठीक है स्टूडेंट, एच सी एल बन गया फॉर्मूला। कैसे बना? हमने वैलेंसी लिया और एक्सचेंज कर दी वैलेंसी दोनों को, इससे बन गया ये फॉर्मूला एच सी एल। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज टू एच टू। तो वाटर, इसको हम लिखते हैं H2O। Why? The reason is, water को हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, पर हम नहीं बोलते हैं। वाटर इज वेरी कॉमन नेम, एंड वी यूज इट इन डेली लाइफ। ये कैसे बना वो देखते हैं। तो एक H ले लेते हैं, एक O ले लेते हैं, H और O से ही बना है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड सुनना स्टूडेंट, सुना हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर इज अ कॉमन नेम, ये केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी वन, ऑक्साइड की वैलेंसी मैंने आपको बताई थी टू है, तो यहाँ पे टू रखूंगा, ये टू यहाँ गया, ये वन यहाँ पे आया। फाइनली इसका फॉर्मूला बन गया है H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सबको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हम कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं ऑलरेडी। अगर मैं ऐसा आपको बोलता हूँ स्टूडेंट कि मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, कोई बात नहीं भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक स्टूडेंट, टेट्रा, टेट्रा मीन्स चार एटम्स होने वाले हैं कि नहीं, चलो चेक करते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन जिसकी वैलेंसी आपको टेबल में नहीं दी है,
तो ये आपको एक मैं वैलेंसी याद रखने का बोलूँगा। क्लोराइड की वैलेंसी हमें मालूम है 1 है भाई, कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 है वो आप सामने जाने दो, 1 है यहाँ पे ले लो, तो आंसर आ जाएगा CCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा मीन्स विच नंबर 4। सी स्टूडेंट्स, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, सेप्टा का मतलब होता है 7। बस इतने तक तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सबको ये फॉर्मूलाज बनाना इजी लग रहा होगा, और हम कई सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, सो लेट अस प्रैक्टिस अगेन। इफ द क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या करोगे स्टूडेंट्स? अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स डिस्कस किए सब में दोनों एटम्स की वैलेंसी डिफरेंट है, ठीक है, ये याद रखना आप। Mg और Cl, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl, दोनों की वैलेंसी ढूंढ के आओ स्टूडेंट। यहाँ पे है Mg की, क्लोराइड की है यहाँ पे, तो इसका मतलब Mg की वैलेंसी है 2, क्लोराइड की 1, सो फाइनली योर फॉर्मूला विल बिकम MgCl2, ठीक है। ये 1 यहाँ पे चला गया, ये 2 यहाँ पे चला गया। नीचे लिखना है स्टूडेंट, सफिक्स में नीचे लिखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ऐसे एटम्स है कि जिसमें दोनों की वैलेंसी सेम है, कैसे कैसा एटम है स्टूडेंट दोनों की, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है भाई, कैल्शियम सल्फेट नाम लिखते हैं पहले, कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4 ये होता है स्टूडेंट कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4। कैल्शियम की वैलेंसी अगर आप देखोगे स्टूडेंट, कैल्शियम की जो वैलेंसी देखोगे वो 2 प्लस है, सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस है, तो 2 प्लस 2 माइनस वैलेंसी विल कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर सेम वैलेंसी आती है तो आपको दोनों में 1-1 लगाना है, क्या क्या लगाना है, 1-1, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम वे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, किसका, जिंक ऑक्साइड, याद रखना स्टूडेंट जिंक ऑक्साइड, देखा स्टूडेंट इसमें पहला वाला जो है वो प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, कैसे आपको बताता हूँ, जिंक ऑक्साइड, जिंक का जेड है, ऑक्साइड का ओ, जिंक की वैलेंसी 2 प्लस, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो ZN ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, ऑक्सीजन को, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए दोनों की हमने वैलेंसी कंसीडर नहीं की है। पर एक्चुअल में जब आयन के आयन्स के फॉर्म में लिखते हैं तब हम ZN 2 प्लस लिखते हैं, और ऑक्सीजन को अलग से लिखने हैं तो 2 माइनस लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम और ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहते हैं, चलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो दोनों स्टूडेंट्स आप टेबल में ढूंढिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S, इसका 1, इसका 2, तो हो गया H2S, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इजी हो गया है आपके लिए। तो अभी आपको थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और हाँ दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जिससे जैसे कि राइट द नेम, राइट द केमिकल नेम ऑफ दिस गिवन केमिकल फॉर्मूला, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमने अभी डिस्कस किया था। दूसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। नाम कैसे आया स्टूडेंट्स, आपको रिवर्स वे से देखना है, जैसे मैंने बोला H2SO4, यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4, तो H2 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है, SO4, SO4 क्या है, सल्फेट, तो ये दोनों को कंबाइन कर दो हाइड्रोजन सल्फेट। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ऐसा दिया है H2S, तो पहला वाला है हाइड्रोजन, तो उसका नाम मैं हाइड्रोजन लिखूंगा, और देखिए स्टूडेंट सल्फर है वो अटैच हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए सल्फाइड, और एक ही एटम है अकेला,
ठीक है. सेम वे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ मुझे इसका नाम दो MgO, तो पहले वाले का नाम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं लिखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है. पीछे IDE आता है, क्या आता है स्टूडेंट? IDE, मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं लिखना. ऑक्साइड तब यूज करोगे जब ऑक्सीजन है वो किसी मेटल के साथ अटैच हो जाएगा, मैग्नीशियम मेटल है इसके साथ अटैच हो गया, इसलिए IDE लगा है. ठीक है, तो आप स्टूडेंट मुझे कमेंट करना, थोड़े बहुत आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, थोड़े बहुत केमिकल नेम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड. स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं बोलूँगा आपको सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, चांदी बहुत पसंद है. ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब के फॉर्मूलाज आपको मुझे बताने हैं. आगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइटर, हाइड्रोजन सल्फाइड. स्टूडेंट्स आप ये सभी जो मैंने नाम लिखे उसके केमिकल फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. तब तक ये वीडियो देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, टेबल को समझिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.